बहुत सोचते हो ना, बहुत सोचते हो कैसे होगा रिजल्ट, कैसे बनाएंगे रिजल्ट, कैसे क्या करेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट्स के लिए इतना सोचना क्यों, इसके लिए भी तो कुछ ट्रिक्स होना चाहिए। देयर आर सिक्स अल्टीमेट नीट स्ट्रेटेजी टू क्रैक योर नीड्स 2024 एंड एंश्योर योर सीट्स ओवर देयर। बहुत ही सीधे से 6 टेक्निक्स है, अगर इनको तुम लोग फॉलो करोगे तो नीट कोई तुम्हारा रोक नहीं पाएगा, स्कोर होगा ही होगा उसमें। सिंपल सा है, अंडरस्टैंड करो पहले, सिर्फ एग्जाम देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सिर्फ एग्जाम लिखना इम्पोर्टेंट नहीं, कहीं पे जाके इस कोचिंग में एग्जाम लिख लिए, उस कोचिंग में एग्जाम लिख लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पैटर्न को फॉलो करो जो तुम्हारे लिए सही हो, तुम्हारे साथ जिसका मैचिंग हो, उस वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। उस जगह की कोचिंग के क्वेश्चंस को देखो जहाँ पे सिलेबस रिलेवेंटली तुम्हारे 11 से लेके धीरे धीरे 12 तक जाएंगे, एंड देन 12 के बाद पूरा रिवीजन होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा 11 पढ़ लिया, वहाँ पे थोड़ा 12 कर लिया, दोनों का मिला के एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। ऐसा होना चाहिए कि 11 पूरा कम्प्लीट हो प्रॉपरली, इसके बाद 12 रिवीजन हो, एंड देन फुल टेस्ट आ जाए, तो आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। तो इसलिए एग्जाम अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वर्कआउट करो, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा। देन थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो दिखा जाते हैं पैटर्न्स हैं क्वेश्चंस के, उसमें फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न टॉपिक्स कौन से वाले में ज्यादा इम्फोसाइज कर रहे हैं, कहाँ पे से ज्यादा 2-3-4 से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे जाके कितना इम्फोसाइज कर रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस को प्रॉपरली देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, यूज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। ये हर किसी का अलग अलग होता है, बट भाई सीधा सा बात है, हार्ड वर्क हर किसी को बीट कर सकता है। तो थोड़ा इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स यूज करो, स्मार्ट वर्क करो, एंड देन व्हेन डेफिनेटली यू कैन वर्क इन ऑर्डर स्टिम्युलेट इन एग्जाम कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब घर में एग्जाम देखते हैं, ट्राई करो दोपहर से शाम वाला टाइम ना सोने का, आगे भी जो सो जाओ बट उस टाइम मत सोना, हो सके तो बाद में सोना, उस टाइम पे एग्जाम स्किप दो। घर में जो भी एग्जाम दोगे, सेंटर में जो भी एग्जाम दोगे, उसी टाइम पे देने का कोशिश करो, तो फिर एक एग्जाम का स्टिमुलेशन हो बरकरार रहेगा। उससे क्या होता है ना, एक एनर्जी सस्टेन होता है, फिजिकली मेंटली हम लोग फिट रहेंगे। ये तो क्या होगा ना, आग खुला रहेगा, अंदर अंदर हम सो रहे हैं, एंड देन एग्जाम भी सोता रहेगा। द लास्ट मोस्ट इफेक्टिव वन, क्वेश्चन एनालिसिस। भाई एग्जाम दोगे, कहीं पे भी एग्जाम दोगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस को लेके एग्जामिन करो, एनालिसिस करो, कहाँ पे गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, कौन से पैटर्न में जा रहा है, वो वाले। ये 6 पॉइंट्स, ये मार्क पॉइंट्स है, अगर इसको फॉलो कर लिए भाई 650 तक तो कोई रोक नहीं पाएगा, आराम से कर पाओ। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, स्ट्रेटेजी टेक्निक्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो, इस दिए हुए नंबर पे डेफिनेटली कॉल और मैसेज कर लेना, लेना तुम्हारा भाई है वहाँ पे, भाई दोस्त यार जो भी बोल दो है, हमेशा हुआ, हमेशा से था, अभी भी हूँ, बाद में भी रहूंगा, खराब टाइम पे रहूंगा, अच्छे टाइम वाले लोग हो जाते हैं। सो भाई याद रखना, एंड कीप शो योर लव्स टू अस। थैंक यू।